أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاف محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد ذات قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حیات طیبہ کے عنوان پر آپ چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ طیب و طہارت پاکی و پاکیزگی یہ اکائق نہیں پیدا ہوتی بلکہ اس کے لیے سلسلے ہوتے ہیں, اس کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں جب آپ طیب و طہارت کو پائیں گے تو صرف اسی حد تک نہیں کہ اس کا جسم پاک ہے یا اس کے کپڑے پاک ہیں, جیسا کہ مفسرین نے وَسِيَابَكَ فَطَّهِّرْ کا ترجمہ کیا, یا فقط یہ کہ وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, بلکہ نہیں, وہاں طہارت محیط ہوتی ہے, ہمگیر ہوتی ہے, وہاں طہارت عمل میں ہے, علم میں ہے, جسم میں ہے, قلب میں ہے, دماغ میں ہے, فکر میں ہے, شعور میں ہے, وہم میں ہے. وہاں بجز طہارت کے کوئی اور شے کا گمان و شائبہ نہیں پایا جاتا, اور یہی وجہ ہے کہ طاہرین سے یہ توقع کرنا
कि दुश्मन के मुकाबले में मकर से काम लें। यह ताहरीन से नामुमकिन है। सिक्किन की जंग गवाह है, नहरवान की जंग गवाह है, जमल की जंग गवाह है कि ताहिर की फिक्र चूंकि ताहिर होती है, इसलिए उस फिक्र का तकाजा यह होता है कि वो सोचें भी तो उन्हीं तरीकाए तहारत पर जाकर सोचें कि जहां वो रोशनी तथहीर फिक्र की दायमी हो जाए, दायमी हो जाए। और फिर जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि तहारत एकाएक नहीं आती बल्कि नस्लन बादा नस्लें आती है, और कुरान मजीद में भी जब इनका जिक्र किया जाता है तो जमा के सेगों में जिक्र किया जाता है, यानी यह कहा जाता है कि अल्लाह ने इरादा किया है कि तुमको पाक करे आए घर के अहल। एक घर है, वो नबुव्वत का बैत है, वो रिसालत का बैत है, वो इल्म जहदो तकवाओ जूदो सकाओ करमो अता का बैत है, और उसके ये अहल है। तो उसको तकरार किया है इस जुमले को दौरे खातम में, वरना वो पहले से इरशाद हुआ था रहमतुल्लाही व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, हजरत इब्राहिम की बीवी के लिए ये बतलाने के लिए कि ये घर ही इस काबिल है जिस पर रहमतें नाजिल होती रहे। चुनाचे ये गुफ्तगु कल थी कि अगर हम खत्म मर्तबत की तहारत के कायल हैं, उनके पाक और पाकीजा होने के कायल हैं, तो इसलिए नहीं कि नबुव्वत मिली थी, वो कबल नबुव्वत भी ताहिर थे, नहीं वो सुलब पिदर में ताहिर थे, वो रहम मादर में ताहिर थे, वो असलाब ताहिर में ताहिर थे, वारहा में शमकात में ताहिर थे। तो वो सिलसिला तहारत का यूं मिलता है। और फिर हमको तारीख के हवाले से, अगर आपको याद है या आपका मुतालिया ज्यादा वसी है मुझसे, तो आप बतलाएं कि कभी किसी मक्के के रहने वाले ने पैगंबर इस्लाम के इस इरशाद के बाद के काफिर न रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, पलट के ये कहा हो कि तुम्हारे बाप तो काफिर थे ना, किसी किताब में बतला दीजिए, किसी किताब में बतला दीजिए कि किसी काफिर ने मक्के के पैगंबर के पिदर गिरामी को काफिर कहा हो। ये नबुव्वत का घराना है, नबुव्वत का घराना है। हज़रत अब्दुल्लाह को बहुत फोन देखा, तिजारत के कबाइल में जाते हुए देखा, आते हुए देखा, कोई तो बतला दे कि किस बुत की परस्तिश करते थे, कहां कुर्बानियां चढ़ाते थे, किस तरह तवाफ करते थे, किसी ने कुछ मरहूम किया, और रब के नसाब तो मशहूर थे हालात को बतलाने में। वो जब यहां तक लिखते हैं कि कौन सा बुत किस कबीले का था, तो वहां ये भी लिख देते कि बनी हाशिम का ये बुत था,
मगर वो न लिख सके, वो नील न लिख सके, तो अल्लाह ने चुना उसी घराने में से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए उसको, कि पलट के कोई ये न कहे कि तेरा बाप काफिर था। याद रखिए, यानी तारीख में कोई किसी मंजिल पे आप कोई मिसाल नहीं बतलाएंगे कि किसी ने यह कहा हो। अलबत्ता एक सही मुस्लिम की रिवायत है और इस पर बड़ा तबसरा है और उसको नक्कादान रिवायत ने बहुत ही अजीब तरह से उस पर तनकीद की है कि कोई शख्स मिलने के लिए आया सतवीं मर्तबत से, तो आपने ये इरशाद फरमाया कि तेरा बाप तो जहन्नम में है, तो बहुत अफसरदा हो गया और वापस चला। तो फिर बुलाया, बुला कहा कि तुझे अफसरदा होने की जरूरत नहीं, मेरा बाप भी वहीं है। सही मुस्लिम एक बाप कायम किया है, एक बाप है इसका। इसमें बड़ी तनकीद की, बड़ी तनकीद की कि खुद जमाने खातम से जुमला निकला, कैसे निकला, क्यों निकला, क्या बात है। बहरहाल कोशिश इस अमर की कि बहुत से अंसाब को छिपाने के लिए, बहुत से बुजुर्गों पर पर्दा डालने के लिए एक रिवायत यूं भी मुस्लिम में आ जाए, इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। मगर खुदावंद अली आला हमेशा उसी घराने को पसंद करता है। इन्नल्लाह सफा आदमा व नूहन व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमी ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम ताबत व तहरत बाज़ुहा मिन बाद। ये ज़ियारत जामिया का टुकड़ा है के एक बाद दिगरे बाद से बाद को तहारत मिलती चली, तीब मिलता चला। तो यही वो ताहिर हयात है, तैयब हयात है, जो शजर तैयबा के तरफ से है, शजर तैयबा की तरफ से। तो नबी को भेजा तो ये समझ के भेजा कि कोई नबी पे एतराज न करे कि कल तक तो आप ये थे, यानी मेरे आप जुमले को समझे, यानी पदरे ग्रामी को तो छोड़िए, किसी ने ये कहा पैगंबर से कि नबूवत से पहले आप ये थे, कोई है मुसलमान ये साबित करने वाला कि नबूवत से पहले कुफ्र पैगंबर को साबित करे, किसी की मजाल। क्यों? फकत इस बात से कि वो चाहता है एक ऐसा ज़र्फ कि जो ताहिर हो और उस ज़र्फ का मजरूफ ताहिर हो, ताकि बाहर आए तो पता चले के सही माना में नफलन बादा नफलेन, वो जैलन बादा जैलिन, वो कबीलन बादा कबीलिन तहारत आ रही है। यही वो मंजिल थी जहां बरात की आयतों को भेजकर फिर वापस मंगवा लिया। वापस मंगवा लिया सिर्फ यही समझ के कि अगर ये आयतों को ले जाने वाले से कोई ये कह दे कि तुम्हारा बाप काफिर है, वो जवाब नहीं दे सकेगा। इसलिए वा
वापस आने के बाद कहा मुझसे गलती हो गई तो कहा नहीं, अभी अभी यह हुक्म आया जिब्राइल कि इसको अदा करेगा इस हक को। अंता और रजोलुम मिन का, या आप जाए या आप में से कोई रजुल जाए। सूरह बरात नवा सूरह है, सूरह तौबा, मैं इसी साल उसकी तफसीर आपके सामने पेश कर चुका हूं माहे रमजान में। बरातुम मिन अल्लाह व रसूलिही इला अल्लज़ीना आहदतुम मिन अल-मुशरिकीन, अज़ानुम मिन अल्लाह व रसूलिही इला अन्नास यौम अल-हज अल-अकबर अन्न अल्लाह बरीहुम मिन अल-मुशरिकीन व रसूलुहू, अल्लाह उसका रसूल बरी है, अब से मुशरिकीन के साथ सुलह नहीं रहेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा था, चाह रहा था कि देखिए तबलीग वहां तो ला इलाहा इल्लल्लाह तबलीग है ना, ये भी एक तबलीग की मंजिल है कि जब जाके इसने कहा कि देखो अब कोई मुशरिक तवाफ न करे तो कोई था पलट के ये पूछने वाला कि कल तक तो तुम्हारे बाप यहां इस तरह से तवाफ करते थे। अबू तालिब पे किसी ने एतराज किया? अबू तालिब की जिंदगी पे किसी ने एतराज किया? नहीं हो सका एतराज, क्यों? वो घराना नहीं है, वो घराना ही नहीं है। इस वजह से सारी तारीखों को देख डालिए, अगर कोई मिल जाता मकाम तो खुदा की कसम मौरख नहीं छोड़ता इसको कि अबू तालिब का ये बुत था। इस वास्ते के उनकी औलाद से जिसको इतनी दुश्मनी हो वहां नहीं बतलाते कि ये यहूस की परस्तिश करते थे, ये नसर की परस्तिश करते थे, ये लात और मनात और हुबल और हुज्जा में से किसको मानते थे, कोई तो बुत बना देता। नहीं, गए गए और जाके आवाज दी, और आवाज दी तो अमीर मोमिनीन का इरशाद अजीब गरीब है इस मकाम पर। सारे मौरखीन ने लिखा के कुफार जोश में आ के अपने तलवारों को खींचना चाहते थे और ये अकेले आवाज देते हुए जा रहे थे। बदर में भाई साथ था, उहद में रसूल साथ थे, खैबर में रसूल साथ थे, खंदक में रसूल साथ थे, हुनैन में रसूल साथ थे, बरात में अली अकेले थे। सूरह बरात को पहुंचाते हुए अली अकेले थे और कुफार की उन तमाम रस्मों को आप उठा के किसी कुरान को देखिए, खुसूसन मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो इस मकाम पे तबसरा किया है वो तबसरा पूरा पढ़ने के काबिल है। उन्होंने वजाहत के साथ लिखा है कि किस तरह से गए, किस तरह से आयतें पढ़ी और क्या शरायत थी, किस चीज से मना किया था। आपने कहा था कि आज की तारीख से कोई उरिया तवाफ न करे, तो आदत यह थी अरब की कि एक पैरहन अगर उनके पास होता तवाफ करते तो उसके बाद फिर तवाफ के बाद उस पैरहन को वो रख नहीं सकते थे, वो पैरहन फेंक देते थे और उरिया तवाफ करते। और किसी के पास दो पैरहन हो तो वो और बात है कि एक से तवाफ करते और उसके बाद उस पैरहन को फेंक देते, दूसरा पैरहन पहन लेते। आपने कहा कि इसके बाद मना कर दिया है उरिया तवाफ को। कोई था यह कहने वाला कि आपके घराने में तो भी ये तवाफ हुआ है? कोई था यह कहने वाला कि आपके घराने में भी यही सूरतें थी, यही रस्में थी? नहीं नहीं, ये चीजें नहीं थी, इसीलिए भेजना उनको था कि जिनके मुकाबले में कोई ये ना कह सके। आप कोई और ख्याल ना करें, बहुत गौर से सुने, उनको भेजना था जिनके मुकाबले में कोई ये ना कह सके कि आज ये आप काम लेके उठे हैं, आज ये खिदमत आप अंजाम देते हुए चले हैं, कल तक क्या था? बदर में भेजा तो उस भाई को भेजा,
या जिसके मुतालिक सारे कुफार जान रहे थे कि अबू तालिब का बेटा है, बाप ने जिंदगी भर मदद की, अब बेटा मदद कर रहा है। बाप ने जिंदगी भर मदद की, अब बेटा मदद कर रहा है। वो हज में मदद की तो दुनिया जान रही थी कि अबू तालिब ही का तो बेटा है, और फिर अबू तालिब के ऊपर नाज इतना था कि जब कभी कोई बात होती, जब कोई जलाल का मौका आता तो बेअख्तियार ये कहते वल्लाही लबनु अबी तालिब आनस बिल मौत मिन अत्तफल बिसदियों में, खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा मौत से ऐसा मानूस है जैसे बच्चा सीरे मादर से मानूस है। तो दुनिया ने बड़ी कोशिश की कि साहब वो कलेमा नहीं पढ़ाऊं, उन्होंने कलेमा नहीं पढ़ा, गुफ्तगू है ईमान पे, आप बातें कर रहे हैं इस्लाम की। आप अंदाजा कीजिए, ईमान अमल बिल कल्ब है, दिल क्या कहता है, दिल का यकीन। आप कहते हैं जबान से नहीं कहा, जबान से नहीं कहा, वहां गुफ्तगू ईमान पे है कि दिल क्या कहता था। तो दिल ये कहता था कि जब बुहैरा राहिब ने भी नहीं कहा था उस वक्त कह रहे थे मेरा बच्चा नबी है, जब किसी और ने निशानदेही नहीं की थी उस वक्त कहा था कि मेरा भतीजा नबी है, और सारा अदब अरब भरा हुआ है अबू तालिब के अशार से। पहला मसला जिसका यूं दे खलीलैया मा उज़नै ले अव्वल गाइली बिस्तिग़वाए फिल हक ला इंदा बातिली, मेरे दोस्तों ये जो दो कान अल्लाह ने मुझे दिए हैं ये झूठी बातें सुनने के लिए नहीं दिए हैं, इन कानों को मैंने खुला रखा है सिर्फ आवाज हक के लिए। ये मतला है अबू तालिब के कसीदे का, और उसे मंजिल पर जाकर कहा है, यह नबूवत के बाद का नहीं है कसीदा, नबूवत से पहले का। वालमु अन्नबनना ला मुकज्जबुन लदैना वला नाबा बिकौल लबातिली, जान लो हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, नहीं ला मुकज्जबुन लदैना, हमारे नजदीक हमारे बच्चे को झूठ लाया नहीं जाता। ला मुकज्जबुन लदैना वला नाबा बिकौल लबातिली, और हम बातिल परस्तों के कौल की परवाह नहीं करते। दुनिया ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ने यह देखकर कि यतीम अब्दुल्लाह की परवरिश किसी के जिम्मे हो अबू तालिब के जिम्मे कर दिया था, और कहा था अबू तालिब तुम पालो, तुम पालो। यह अब्दुल मुत्तलिब की निगाह थी कि उसको चुन लिया कि जिसने इस तरबियत पर जिंदगी भर नाज नहीं किया। अजीब जुमला है, जिंदगी भर नाज नहीं किया या नहीं कहा मैंने पाला है, बल्कि जब लोगों ने कहा अबू तालिब तुमको बड़ी तकलीफ होती होगी, तुम्हारे तुम खुद साहिब औलाद हो, कसीरुल औलाद हो, इस बच्चे को लेके तुमको यकीनन रहमतों में डाला गया,
और तुम जहमतों में पड़ गए, तो कहा यलूज बहिल्लाक मिन आले हाशमी वहुम इंदहू फी रहमतिन व फवासली। अरे ये तो वो है, ये तो वो है कि सारे बनी हाशिम उसकी रहमत के साए में पलते हैं, अगर मैं पल रहा हूं तो उसी के सत्ते में पल रहा हूं। यलूज़ुल्लाक मिन आले हाशिमी फहुम इंदहू फी रहमतिन व फवासली, वो उसी की रहमत है। وَبَيَّضَ يُسْتَسْقَى الْغِمَامَ عَلَى وَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِ إِلَيْهِ, اسی کے چہرے کا واسطہ دے کر پانی کی بھیک مانگی جاتی ہے, ابر برس پڑتا ہے اس چہرے کا کے واسطے سے, اور اس مقام پر پہنچ کر وہ مشہور شعر کہا جو ادب عرب میں یادگار رہ گیا, وہ وَزَّانُ صِدْقٍ لا يقيس شعيرة وميزان عدل وزنه غير غائل, وہ تولنے والا صداقت کا کہ جہاں ایک تنکا بھرا برابر بھی کہیں فرق نہ ہو, اور وہ ترازو عدالت کا کہ جس کے دونوں کفے برابر ہوں, کہ جس میں ذرہ برابر بے اعتدالی نظر نہ آئے, جو قطعی مرتبت کی یہ تعریف کرے کہ جہاں ایمان لانے والے بھی کانپ اٹھے, ایمان لانے والے بھی کانپ اٹھے کہ یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے, حتمی مرتبت کی تعریف کی. آپ ملاحظہ فرمائیں, ابو طالب نے جو قصیدہ کہا ہے جناب حتمی مرتبت کی شان میں, آپ کو تعجب ہوگا یہ 120 شعر کا قصیدہ ہے, ایک ہی قصیدہ لامیہ, یہ لامیہ جو قصیدہ ہے 120 شعر کا ہے, اس کے بعد بائیہ قصیدہ ہے, میمیہ قصیدہ ہے, رائیہ قصیدہ ہے, کئی قصیدے ہیں, اور اس دور میں یہ قصیدے کہے گئے ہیں جہاں امرؤ القیس عشق کا مارا اپنی بدمستیوں کے لیے شعر کہتا ہے, اس کے مقابل میں لامیہ ابو طالب ہے جو فقط محمد کی تعریف میں, بہرحال گفتگو اب یہاں تک پہنچی تو چند چیزوں کو یاد رکھ لیجیے. شہزاد عبدالعظیم نے خط لکھا امام رضا کی خدمت میں, شہزاد عبدالعظیم جن کی قبر رائے میں ہے, خط لکھا, خط کی عبارت یہ تھی کہ فرزند رسول میں بیمار ہوں, حاضری سے قاصر ہوں, میرے پاس مباحث ہو رہے ہیں اور اس میں ایک بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ ابو طالب کے لیے کیا کہا جائے, ابو طالب کے لیے کیا کہا جائے, تو خط کا جواب دیا ہے, اور وہ خط کا جواب امام رضا کے مکاتیب میں آج تک موجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان ابو طالب میں شک کیا, مصیرہ فی النار, اس کا گھر جہنم میں ہے, اس کا گھر جہنم میں ہے. کما قال سبحانہ و تعالی, جیسا کہ خداوند علی اعلی کا ارشاد ہے, من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مصیرہ, جو رسول سے بگڑ کے چلے اور اپنے راستے کو رسول کے راستے سے الگ کرے اور صاحبان ایمان سے الگ ہو کر راستہ بنائے, تو وہ جس طرف منہ موڑ کے جاتا ہے قدرت اس کو اسی طرف جانے دیتی ہے, یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیتی ہے. امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ, راوی نے پوچھا فرزند رسول
इस बहस को आपके सामने तो नहीं छेड़ना चाहिए, मगर यह बहस छिड़ी हुई है कि अबू तालिब ने आखिरी वक्त कलमा नहीं पढ़ा। अब नशा फरमाया कि इस मसले में मुझे तो कुछ नहीं कहना है, मगर मुझे एक बात मालूम है, एक बात मालूम वो ये है कि जब तक अली का दौरे हुकूमत रहा, अली हर साल अबू तालिब, फातिमा बिनते असद, अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और आमिना बिनते वहब के लिए हज की नियाबत करवाते थे। इमाम बाहर मासूम नियाबत हज, कि हज में नायब होके जाए। इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी कुछ दिनों पहले इमाम बारगाह सज्जादिया में अर्ज कर रहा था कि रावी खिदमत में हाजिर है, इशा फरमाया कि बहुत दिनों के बाद देखा उसकी फरजंद रसूल हज के लिए गया था। इशा फरमाया मुबारक हो अल्लाह तुमको, मैंने अबू तालिब की तरफ से नियाबत भी की। इमाम खड़े हो गए, कहा आओ गले तो मिल लें। तो इस तरह से आज आपकी खिदमत में, इससे पहले भी कह चुका हूं फिर कहता हूं, अपने आप को संभालें, अपनी फिक्र को संभालें और अपने आमाल पे नजर करें, और अगर आप पर कोई मुसीबत आ पड़े, कोई तकलीफ आ पड़े, तो एक अच्छा नुस्खा यह है कि पहले पैगंबर के वालिदैन के लिए फातिहा पढ़ें, अली के वालिदैन के लिए फातिहा पढ़ें और फिर दुआ करें। एक अमल है, जरा करके देख लेना, ये अमल है करके देख लेना, पता चलेगा। इसलिए कि हम कलेमा गो हैं, अल्लाह के रसूल, यह आपके पदर ग्रामी के लिए है, यह सूरह हम, यह आपकी वालिदे माजदा के लिए है, यह आपके मुहाफिज के लिए है, यह उस शहजादी के लिए है कि जिस बीबी ने आपको पाला है, फातिमा बिनते असद। तो फिर उसके बाद देखिए, कभी दुआ से आप यकीनन किसी मंजिल पर महरूम नहीं पाएंगे अपने आप को, इजाबत है दुआ से। बहरहाल इस मंजिल तक पहुंच चुके, अब एक जरा सी बहस रह जाती है, क्योंकि आज तस्करा ही यही छिड़ गया था, मैंने सोचा कि बहुत से उमूर काबिल जिक्र थे। इब्न अबिल हदीद ने एक मुस्तकिल कसीदा कहा है अबू तालिब के लिए, बड़ा अजीब गरीब कसीदा है, और वो शरह नहजुल बलागा में मौजूद है। मैं जिस मंजिल पर अर्ज कर रहा, गुफ्तगू करना चाह रहा था, वो ये है कि हयात तैयबा के लिए एक तसलसल है, वो तसलसल बगैर इज्न के नहीं है। बहस आपके जहन में है, अब उसी इज्न के साथ जिहाद भी है। सूरह हज की आयत, उज़ैना लिल लज़ीना युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलमू व अन्नल्लाहा अला नसरहिम लक़दीरुन लिल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्किन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह। इज़्ज़त दिया गया है उज़ैना उन लोगों को कि जिनको घरों से महरूम कर दिया गया, निकाल दिया गया, कि लो तुम अल्लाह की राह में। उनकी गलती बस यही थी कि वो ये कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है, उनकी गलती ये थी, वो कहते थे अल्लाह हमारा रब है। तो उनको हमने कहा कि लड़ो, तुम लड़ो, इज्जत दिया।
अब इसके बाद यह आयत खत्म होती है लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह कवियुन अजीज। यह सूरह हज की आयत है और खुदा उसकी यकीनन मदद करेगा जो खुदा की मदद करेगा। खुदा कवी भी है अजीज भी है। इस आयत को लिखकर मुतशाबिहातुल कुरान में मोहम्मद इब्ने अली इब्ने शहराशोब ने लिखा यह आयत मखसूस है अबू तालिब के लिए। मोहम्मद इब्ने अली इब्ने शहराशोब मुतशाबिहातुल कुरान उज़िन लिल्लज़ीन युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलमू वाली आयत लयंसुरन्नल्लाह मन यंसुरु खुदा उसकी नुसरत करेगा। उसकी नुसरत करेगा जो खुदा का नासिर हो। अल्लाह ने खुदा की कसम अबू तालिब की नुसरत की। अबू तालिब की नुसरत की वरना हुकूमतों को यह फिक्र थी कि इस ताहिर घराने का आगाज कुछ इस तरह से पेश करें कि इनके दिल को चोट लगे, इनके दिल को तकलीफ हो, इनका दिल दुखे, इनके बच्चों को तकलीफ हो। मगर अजीब बात कि सारी चीजों के बावजूद सिर्फ यही कह पाई दुनिया मुहाफिज थे। पाला शेबे अभी तालेब में रखा, हर चीज का इंतजाम किया, गुस्से में आकर दुश्मनाने पैगंबर पे हमला किया, उस जईफी में किसी की मजाल न थी जो इस अकेले के मुकाबले में आए। पूरा मक्का एक तरफ, अबू तालेब एक तरफ। इब्न अबी हदीद कहते हैं कि बाप और बेटे की तरफ से इस्लाम कायम है। अगर अबू तालिब और उसका बेटा न हो लमा मसलद्दीन शख्सन वकामा तो दीन को यह मकाम नहीं मिलता, यह जगह नहीं मिलती। इसलिए कि उसने मक्के में मदद की, इसने मदीने में संभाला। उसने मक्के में मदद की, इसने मदीने में संभाला। तो सबों ने कहा कि हिफाजत की, हिमायत की, सब कुछ की। तो सारी हिमायत के बाद आखिर में आहिस्ता से यही आखिरी मरतबा नहीं कहा। तो अब सिर्फ हम यह पूछना चाहते हैं कि फिर आखिर कहा क्या। इसी पर तो इत्तेफाक करे मुस्लिम तारीख के कहा क्या क्या कह के मर गए। आपको मालूम है क्या कह के मर गए? ये कह के मर गए कि लोगों ने कहा कि आकर अबू तालिब बतलाओ किस दीन पे मर रहे हो, तो कहा अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर, तो अब्दुल मुत्तलिब का दीन इब्राहिम का दीन है, अब्दुल मुत्तलिब का दीन मोहम्मद अरबी का दीन है। वो अब्दुल मुत्तलिब जिनके मुताल्लिक कल गुफ्तगू हो चुकी है कि मसनद से हटाने की जब सरदारा ने कुरैश ने कोशिश की तो बेअख्तियार कहा अरे इस बच्चे के सबके में तो यह मसनद है अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। और क्या चाहिए आपको? अबू तालिब किसी को कुछ नहीं मिल सका, किसी को कुछ नहीं मिल सका। और कुछ ऐसी रिवायतें आईं कि जिन रिवायतों पर गुफ्तगू बेसूद है, मगर मैंने फिर अर्ज किया
कि तारीख हमेशा याद रखिए, तारीख उभरती है उन मौके पर कि जहां इंतकाम की आग लगी हो और इंतकाम से दिल भुन रहा हो, जल रहा हो। कुफ्र अबू तालिब पर अगर गुफ्तगू मंजूर होती तो खैबर में मरहब गुफ्तगू करता। कुफ्र अबू तालिब पे अगर गुफ्तगू हो सकती तो खंदक में अमृत से अब्दवत गुफ्तगू करता कि मुझे कैंबर मारने के लिए आए हो, अपने बाप को देखो। मगर दुनिया जान रही थी कि अबू तालिब का बेटा है, वो भी मोमिन है, ये भी मोमिन है। चंद बातें थी जो इस सिलसिले में अर्ज की गई, और सिर्फ इसलिए कि तारीख के धारे पर जहां कहीं किसी मौके पर किसी को मुमकिन था कि कुछ कहे, वहां खुदा गवाह है कि किसी की जबान से निकल न सका, किसी की जबान से निकल न सका कि तुम्हारे जद ये हैं, या तुम्हारे बाप ये हैं, या तुम्हारा खानदान ये है। जान रहे थे कि इब्राहिम का घराना है, इस्माइल की औलाद है, ताहिर घराना है, तैयब घराना है, हयात तैयबा सिलसिले में आई है, हयात तैयबा सिलसिले में आई है। बहर सूरत आज एक नहज में गुफ्तगू हुई, उसी नहज पर खत्म करके अपने आप को आने वाली चार तकरीरों के लिए तैयार करूं। सिर्फ इतना अर्ज करना है कि डराया लोगों ने अबू तालिब को मक्के में कि अगर तुमने इस तुम्हारे भतीजे का साथ नहीं छोड़ा तो हम दुश्मन हो जाएंगे। तो तन्हा अबू तालिब ने यह जवाब दिया था कि तुम और सारा अरब मिलकर अगर मेरी दुश्मनी पर कमर बांध ले तो फिर भी मैं इस बच्चे का मुहाफिज रहूंगा। यह था अबू तालिब का जुमला। और उसी तरह सिफीन की लड़ाई में मालिक अश्तर बयान करते हैं, किसी ने कहा कि या अली लव कान हाज़ा कूतब नाबी तालिब, ये जो आजकल आपकी गिजा रह गई है, अगर यही गिजा रह जाए फकत काद अनिल क़िताल, फिर आप लड़ नहीं सकेंगे। तो उस वक्त अमीर मोमिनीन ने जो जवाब दिया वो यही था कि वल्लाही लौ तज़ाहरतिल अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा, अगर ये पूरा अरब मुझ अकेले से लड़ने के लिए आए तो मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा। ये है हयात तैयबा। बाप ने कहा, बेटे ने कहा, पोते ने भी कहा, सब मिलके जमा हो गए हो, तुम हुसैन को डराते हो, तुम हुसैन को डराते हो, डरा न सकोगे। मैं अली का बेटा हूं,
मुझे डरा न सको। यही हुआ कि बेपनाह लश्कर में जिनकी तादाद अब तक नहीं मैं मुअय्यन हो सकी, तय कर लिया कि हम मुकाबला करेंगे। हुसैन इब्न अली ने तय कर लिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर वह मारेका हुआ कि जहां वो कदम जो आगे बढ़ गए पीछे नहीं हटे। खैर वो तो इमाम थे, क्या किसी बच्चे ने सुलह की गुफ्तगू की बादे करबला? क्या दरबार में इमाम मोहम्मद बाकर ने कोई गुफ्तगू की? क्या दरबार में जनाब सकीना ने कोई गुफ्तगू की? छोटे बच्चे बहुत से थे मगर किसी ने रहम की अपील नहीं की, यानी कहा कि हम पे रहम कर। हजरात, मेरा सिलसिला तकरीर जारी है। मैं एक शहजादी के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था, जिंदान में सर आया। वो बच्ची जो बहुत दिन से जिसने बाप को नहीं देखा था वो सर से लिपट गई और मैंने मिर्जा दबीर का ये शेर पढ़ा, सर की जबीं पे अपनी जबीं धर के रह गई, कलमा पढ़ा बलाएं ली और मर के रह गई। सैदानियों में रोने का होल, हर तरफ से वाह हुसैना की आवाजें बुलंद। यजीद ने आंखें खोली का ताहिर, हमने तो सर भेज दिया था ना? कहा हां अमीर, सर भेज दिया था मगर वो बच्ची मर गई। वो बच्ची बाप के सर से लिपट के मर गई। और अभी यह गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैदानियों के रोने के गुल से अतराफ वकनाफ के रहने वाले बेदार हुए। सबों ने कहा रोने का गुल कैसा है? तो जिंदान बान ने कहा वो बच्ची मर गई। वो बच्ची मर गई जो दरे जिंदा पे आके खड़ी होती थी। एक मरतबा औरतों ने अपने शौहरों से कहा तुमको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? रसूल की औलाद कैद खानों में मरे, शर्म नहीं आती? तहकीक यह है कि अराकीन दौलत और असातीन हुकूमत यह सब के सब यजीद के पास पहुंचे और उसको चौंकाया, बेदार किया। उसने कहा कौन सा वक्त है मिलने का? ये रात के वक्त का, हम अब मुलाकात चाहते हैं। कहा क्या बात? कहा यजीद अब बर्दाश्त नहीं हो सकती है, अब बर्दाश्त नहीं हो सकती है रहमत, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब हमारी गैरत को दावत दी जा रही है, अब हम शर्म से डूबे जा रहे हैं। अब हमारे लिए बजुस के कुछ नहीं है, या खुदकुशी कर ले या बगावत करें। क्यों यजीद? ये वही बच्ची मर गई ना जिसने दामन फैला के बाप का सर मांगा था। यजीद, ये वही बच्ची मर गई ना जिसके गले के को कस के बांधा था, जो एक पैर को उठाती थी एक पैर को रखती थी। क्यों यजीद? ये वही बच्ची है ना? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, फकत मातत बिनतुन मिन बनातिल हुसैन, हुसैन की बेटियों में से एक बेटी मर गई। आतिका, सफिया,
रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, सकीना, कई नाम ले डाले। असाती ने मम्लिकत ने कहा, अराकीन हुकूमत ने कहा कि अच्छा हम खुद जाके कैदियों से पूछ लेंगे। तो एक मरतबा इसने घबरा के आबिद बीमार को पैगाम भेजा कि फातिमा के जानी अब रिहाई का हुक्म देता हूं, शर्त यह है कि बच्ची की मैयत बाहर न आए। बच्ची की मैयत बाहर न आए, वही कैद खाने में किसी मकाम पे बच्ची को दफन कर दीजिए। हाय उम्मे रबाब, जिसके सामने एक तो अली असगर दफन हुआ, अब सकीना दफन हो रही है। काबिल इमाम कर, मिल्लत को मुत्तहिद कर, मम्लिकत को मुस्तहकम बना। الحمد لله